उस लाइन की क्वेश्चन बतानी है जो इसके साथ दे कैन बी मैनी लाइन्स मतलब लाइन्स बोला तो इट कैन बी टू ऑल्सो ठीक है तो ओरिजिन से पास करती हुई ऐसी लाइन बतानी है जो कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा हो पाई बाय थ्री एंगल इज इट ओके सो ये ओरिजिन है इसकी इक्वेशन हमें जो दी हुई है एक्स माइनस थ्री अपॉन मे टू वाई माइनस थ्री अपॉन वन और जेड अपॉन वन So, तो ज पता है पता लगेगा कि देर इज़ देर ओनली वन लाइन और टू लाइन और मोर देन टू लाइन है ना तो एल्जेब्रिकली हमें क्लियर करेगा ठीक है सो so, वैसे जोमेट्रिकली देखा जाए तो वो दो ही आ, अगर करेंगी तो दो ही उससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगी चलिए तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं तो ओके नाव सब पहले देखिए ये जो जहाँ मीट कर रहा है इस पॉइंट में मतलब इसकी कोई वैल्यू तो होगी ना तो सबसे पहले देखिए जनरल पॉइंट्स निकालते हैं तो इसके जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो जनरल पॉइंट्स हैं किसके इस लाइन के तो इसके क्या होंगे तुम्हारा अगर मैं इक्वल टू लेमडा से करता हूँ कोई फॉर सम लेमडा कॉन्सटेंट तो हमारे जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टू लेमडा प्लस थ्री वाई हो जाएगा तुम्हारा लैमडा प्लस थ्री और जेड तो हमारा लैमडा हो ही जाएगा ठीक है टू लेमडा सो देखो जो जनरल पॉइंट आ गया हमारे क्या आगे टू लेमडा प्लस थ्री किसके इस गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन के लेमडा प्लस थ्री कॉमन लेमडा आर पॉइंट्स ऑफ द लाइन ये कौन सी है जिसकी ये इसको अगर मैं नाम दे दूँ एल तो एल लाइन के हो गए ठीक है नाउ अब फॉर सम लेमडा यहाँ पे जो है जिस पर बात हो रही है ना फॉर सम लेम्डा हमारे पास कोई ना कोई एक तो लेमडा होगा ना क्योंकि एम्डा यहाँ पे फिलहाल रियल नंबर पर बिलोंग कर रहा है सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट लम्डा की वैल्यू हमारे पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे तो देर इज़ ओनली मतलब देर इज़ अन जिस पे ये क्या होगा आ, आपका पाई बाई थ्री एंगल बन रहा होगा ठीक है अच्छा अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलूँ इस पॉइंट को बी बोलूँ तो डायरेक्शन रेशोज जो हो जाएंगे रेशोज़ ऑफ ए बी लाइन जो बात कर रहा हूँ तो जहाँ पे इस पॉइंट पर जहाँ पे पाई बाई थ्री एंगल हो, तो डायरेक्शन रेशन ऑफ ए बी जो मैं बात करूँ सो so, वो क्या होगा तुम्हारा टू लैमडा प्लस थ्री माइनस जीरो लैमडा प्लस थ्री माइनस जीरो तो लैमडा प्लस थ्री हो जाएगा और लैमडा माइनस जीरो जो कि लेमडा हो जाएगा ये क्या है आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो बी पॉइंट है तो इस बी पॉइंट पे जैसे ए को मैंने ज्वाइन करा तो पाइप थ्री एंगल बन रहा होगा ठीक है यहाँ पे लेमडा अब हमारा फिक्स हो जाएगा यहाँ पे तो लेमडा बिलोंग्स टू रियल है बट यहाँ पे फॉर सम लेमडा होगा फॉर सम लेमडा ठीक है ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे रियल पे था बट यहाँ पे फॉर सम लैमडा होगा कोई लेमडा की वैल्यू पे हमारा पाइप थ्री एंगल तब बन रहा होगा ठीक है चलिए अच्छा ये हो गया डायरेक्शन तो ए बी मिल गया अब एंगल बिटवीन ए बी एंड एल कितना है पाई बाई थ्री तो हमारा लगा लगाते थे कॉज पाई बाय थ्री इज इक्वल टू तो मॉडलस ऑफ करते हैं मॉडलस ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू ए डायरेक्शन से हमने ए बी का निकाल लिया है लाइन जो दी हुई है उसके डायरेक्शन से टू कामो वन वन होगा तो निकाल लेते हैं तो टू इंटू टू लैमडा प्लस थ्री प्लस वन इन लैमडा प्लस थ्री प्लस वन लैमडा ये हो गया मॉडलस इसका ले लेते हैं होल डिवाइडेड बाय इनका स्क्वायर का सम तो टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर टू लेमडा प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इससे हमारी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जैसे ही मेरे लेमडा की वैल्यू जाएगी उससे मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे और पॉइंट्स आने के बाद मैं फिर क्या करता हूँ ओरिजिन तो मेरा एक पॉइंट दिया ही हुआ है दूसरा पॉइंट इससे मिल जाएगा टू पॉइंट फॉर्म से हम अब क्या निकाल लेंगे अपना इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लेंगे ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं इसको लैम्डा निकालने के लिए तो कॉस्ट पाई बाई थ्री सिक्सटी डिग्री जो होता है आपका वन अपॉन टू होगा रूट थ्री बाई टू नहीं वन अपॉन टू रूट थ्री बाई टू तो हमारा साइन सिक्सटी डिग्री होता है तो ये वन अपॉन टू हो गया ये हो जाएगा तुम्हारा फोर लेमडा प्लस सिक्स प्लस लेमडा प्लस थ्री प्लस लेमडा इसका मॉडलस होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर देखेंगे तो जगह टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर फोर प्लस वन ये तो रूट सिक्स हो गया अच्छा मल्टीप्लीकेशन में आपका जेगा फोर लेमडा स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स थ्री टू जैर सिक्स टू जर ट्वेल्व लैमडा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिक्स लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वांग बो साइड कर देंगे हमारा तो देखिए यहाँ पे हमारा जैसे स्क्वायर पर कर देते हैं तो हमारा जगह पहले तो देखिए रूट सिक्स के साथ ये पूरा रूट और उस, आप ये समझिए कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने का स्क्वायरिंग बहुत साइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा अब वह आएगा सिक्स ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो देखिए इन दोनों का सम करते तो ये फाइव लेमडा स्क्वायर फिर ट्वेल्व लेमडा प्लस सिक्स लेमडा अच्छा थ्री एक तीन बार लेमडा तो थ्री लेमडा और सिक्स लेमडा स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये ये सिक्स होगा यहाँ पे क्योंकि लेमडा स्क्वायर हमारा फोर लेमडा स्क्यर प्लस लेमडा स्क्वायर तो सिक्स लेमडा स्क्वायर हो गया तो तीनों फिर ट्वेल्व लेमडा प्लस सिक्स लेमडा बारह हो जाएगा एटीन लेमडा डन ओके एंड नाइन प्लस नाइन हमारा हो जाएगा एटीन परफेक्ट ओके इसके बाद इक्वल टू 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 जब हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा सिक्स लेमडा प्लस नाइन का होल स्क्वायर सिक्स प्लस सिक्स लेमडा प्लस नाइन का होल स्क्वायर सिक्स लेमडा प्लस नाइन का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं इसको तुम्हारा जगह तुम्हारा सिक्स सिक्स अच्छा अभी अच्छा है बेटर है कि कॉमन फैक्टर्स तो थ्री हो जाएगा ये टू हो जाएगा और भी कॉमन आ सकते हैं तो वो भी कॉमन ले ले सकते हैं तो यहाँ पर थ्री इंटू सिक्स हो जाएगा लैमडा स्क्वायर थ्री लैमडा प्लस थ्री इक्वल टू यहाँ पर टू तो है ही है इसमें से सिक्स कॉमन ले लेंगे और सॉरी थ्री कॉमन लेंगे तो नाइन बन जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री थ्री जै नाइन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट करते हैं थ्री थ्री ज़ा नाइन टू तो ये एक्चुअली पूरा ही कट जाएगा तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया तो हमारा बच्चा यहाँ पे क्या लैमडा स्क्वायर प्लस थ्री लेमडा प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर लैमडा स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व लैमडा ठीक है नाउ इससे हमको सॉल्व करते हैं तो ये जेगा थ्री लेमडा स्क्वायर थ्री लेमडा स्क्वायर ट्वेल्व लेमडा में तो ये हो जाएगा प्लस नाइन लेमडा ये हो जाएगा प्लस सिक्स इज इक्वल हो जाएगा लैमडा स्क्वायर प्लस थ्री थ्री इज नाइन लेमडा प्लस थ्री टू इजा सिक्स तो लैमडा स्क्वायर करेंगे तो जगह लैमडा प्लस टू लैमडा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लैमडा प्लस वन प्लस टू करेंगे तो लैमडा प्लस वन इक्वल टू जीरो तो हमारे पास जो लैमडा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि माइनस टू और माइनस वन आ रही है तो मतलब हमारी दो इक्वेशन आने वाली है ठीक है so, सो जो पॉइंट था जिसको हमने बी बोला था तो बी हमारे जाएगा पहले हमारे लेमडा इज इक्वल टू माइनस वन ले लेते हैं तो जेगा वन कामा टू कॉमा माइनस वन ये कब आया वेन लेमडा इज इक्वल टू माइनस वन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं वन टू माइनस वन माइनस वन डाला तो माइनस टू प्लस थ्री वन हो गया माइनस टू प्लस थ्री वन हो गया ओ सॉरी माइनस टू माइनस फोर प्लस थ्री मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लैमडा इज इक्वल टू माइनस वन तो थ्री माइनस टू वन हो गया फिर यहाँ पे माइनस वन डाले तो टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन ठीक है बी हमारा हो जाएगा माइनस टू डालने पर माइनस टू इंटू टू माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री आपका वन हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री और माइनस टू हमारा ये कब हुआ है वेन लैमडा इज इक्वल टू माइनस टू बी पॉइंट आ गया सो देरफो जो इक्वेशन तो तुम्हारी दो इक्वेशन बनेगी दोनों के बाद देर फो जो इक्वेशन ऑफ द लाइन ना ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन्स जिसके बारे में बात हो रही थी हमारी वो so, निकाल लेते हैं तो सबसे पहले आप देखिए पॉइंट पासिंग पॉइंट तो मैं जीरो 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 लूंगा एक्स वन वाई वन जेड वन और इसका रोल प्ले करूँगा ये एक्स टू वाई टू जेड टू होगा कौन सा बी पॉइंट के लिए तो x माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन तो ये वन माइनस जीरो तो वन ही आ जाएगा फिर ये आ जाएगा माइनस जीरो अपॉन में टू और ये जगह z माइनस जीरो अपॉन में माइनस वन ये क्लियर हुआ एक तो ये आएगा दूसरी आएगी हमारी x अप एक्स माइनस जीरो अपॉन में माइनस वन माइनस जीरो जो कि माइनस वन जाएगा y अपॉन में वन और z अपॉन में माइनस टू ये मैंने कैसे निकाला टू पॉइंट फॉर्मुला से एक्स माइनस एक्स वन में एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन में वाई टू माइनस वन जेड माइनस जेड वन में जेड टू माइनस वन तो ये आ जाएगा तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन हमारी और ये सेकेंड इक्वेशन है दीज आर द टू इक्वेशंस जो कि हमारी ओरिजिन uh, से पास कर रही है दिख भी रहा होगा आपको दोनों ओरिजिन से पास गया और जो एंगल बना रही है वो इस लाइन के सर कितना बना रही है पाई बाई थ्री सो बच्चो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक